इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो टेस्ट सीरीज हो रहा है, इसमें से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले हसन मोहम्मद काफ़ी कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे और उसी में से रोहित शर्मा ने जवाब दिया था कि वो मजा ले रहा है, मज़े लेने दो, हम लोग जो है पिच पे जवाब देंगे। हुआ कुछ ऐसा था, हसन मोहम्मद जो है वो इंडिया सीरीज खेलने से पहले कह रहे थे कि भारत को हराने में मज़ा आएगा, लेकिन उसी प्रकार से रोहित शर्मा और रोहित शर्मा की टीम ने, यानी टीम इंडिया ने, जिस प्रकार से बल्लेबाजी करी है, जिस प्रकार से गेंदबाजी करी है, बिल्कुल आप लोग कह सकते हैं, यानी डे टू में ही जो है, डे फोर तक मुकाबला जाता है, लेकिन डे टू में ही मुकाबले को ख़त्म कर दिया है। कैसे ख़त्म कर दिया, चलिए आप लोग को बताते हैं। टीम इंडिया जो है पहले बल्लेबाजी करने के लिए आती है और 376 रन बनाती है, जिसमें से अश्विन जो 113 रन बनाते हैं, जडेजा 86 रन बनाते हैं, जसवाल 56 रन बनाते हैं, पंत 39 रन बनाते हैं, और वहीं हसन महमूद जो है बांग्लादेश की तरफ से 5 विकेट लेते हैं, तस्कीन 3 विकेट लेते हैं, मेहंदी 1 विकेट लेते हैं, नाहिद 1 विकेट लेते हैं। वहीं बांग्लादेश की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो 149 रनों पर, 149 रनों पर जो है वो ढेर हो जाती है, ऑल आउट हो जाती है, जिसमें से साकिब जो है 32 बनाते हैं, मेहंदी 27 बना के नॉट आउट रहते हैं, लिटन जो है 22 बनाते हैं, सांतो 20 बनाते हैं, और विकेट में जसप्रीत बुमराह लेते हैं 4 विकेट, और आकाशदीप लेते हैं 2 विकेट, जडेजा लेते हैं 2 विकेट, सिराज लेते हैं 2 विकेट। इसी प्रकार से मुकाबला चलता है और भारत जो है वो पहला इनिंग में, आप लोग कह सकते हैं कि डे टू में ही जो है वो 227 रन से जो है वो बांग्लादेश से आगे रहता है। उसके बाद टीम इंडिया का जो बल्लेबाजी है दूसरे दिन ही बल्लेबाजी टीम इंडिया का आ जाता है, क्योंकि आज सुबह जो है टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करी, उसके बाद बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट किया और फिर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस किस प्रकार से चल रहा है। और यहां से अगर टीम इंडिया 100-150 रन भी बनाती है तो बांग्लादेश की टीम को चेज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी जिस मुकाबले के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा था, जब बांग्लादेश की टीम स्टार्टिंग में जो है गेंदबाजी करने के लिए आती है तो उस प्रकार से गेंदबाजी भी करती है कि सबको लगता है कि जो पूरा मैच है वो बांग्लादेश के पक्ष में है, क्योंकि अभी रिसेंटली बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को घर में सीरीज हरा के आती है, और वैसे कुछ एक्सेप्ट भारत से करती है लेकिन हो जाता है यहाँ पे उल्टा, क्योंकि यहाँ पे जो है रविचंद्र अश्विन खड़ा रहते हैं, जडेजा खड़ा रहते हैं, और साथ में काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, जसवाल जो है काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और टीम इंडिया एक अच्छा स्कोर खड़ा कर लेती है, और टीम इंडिया सेकेंड इनिंग भी बल्लेबाजी कर रही है, यानी टीम इंडिया जो है डे टू में ही मुकाबले को पूरा अपने पक्ष में ले आई। यानी 4 दिनों का जहाँ टेस्ट मुकाबला होता है, वहीं आप लोग सोच सकते हैं कि डे टू में ही पूरा मैच को अपने पक्ष में ले आना, टीम इंडिया ने किस प्रकार से कमाल की जो है वो बल्लेबाजी करी, गेंदबाजी करी, और टीम इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो मुकाबले, यानी टीम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के जो मुकाबले हैं भारत में टोटल 2 टेस्ट मैच जो है आकर के खेली है बांग्लादेश की टीम, यानी सीरीज आप लोग कह सकते हैं 2 सीरीज, जिसमें से दोनों के दोनों सीरीज में जो है वो हार मिली है बांग्लादेश की टीम, और ये तीसरा सीरीज है, और तीसरा सीरीज में जिस प्रकार से टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही है, जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रही है, जिस प्रकार से परफॉर्मेंस लग रहा है कि ये भी सीरीज जो है वो टीम इंडिया ही जीतेगी। 5 टेस्ट मुकाबले खेले गए इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के बीच में, इसमें 5 से 5 जो मुकाबले हैं वो टीम इंडिया के पक्ष में टीम इंडिया ही जीती हुई है। वैसे रोहित शर्मा ने काफ़ी कमाल की कप्तानी करी है, और वहीं रविचंद्र अश्विन ने टीम इंडिया की तरफ से अच्छे बल्लेबाजी करके एक बहुत ही अच्छा मदद जो है टीम इंडिया को दिया है। साथ में गेंदबाजी में बुमराह और आकाशदीप ने काफ़ी अच्छी जो है गेंदबाजी करी, जडेजा ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, और सिराज ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी।